हरियाणा राजस्थान मेवाती किसान मोर्चा के बैनर तले तीनों कृषि कानूनों के विरोध में गत 12 दिसंबर से चल रहा आंदोलन सोमवार को 21वें दिन में प्रवेश कर गया। बता दें, आंदोलन को आज सोमवार को महिलाओं, छात्रों के अलावा सिख समुदाय के लोगों का समर्थन मिला, जिससे सुनहरा बॉर्डर पर किसानों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। धरना प्रदर्शन को जितने दिन लंबा चल रहा है उतना ही समर्थन अब इस पड़ाव को मिलने लगा है। किसान नेता राकेश टिकैत के प्रकरण के बाद न केवल दिल्ली की सीमाओं के आसपास चल रहे धरना प्रदर्शन में देश भर के किसानों की भीड़ बढ़ी है, बल्कि सुनहरा बॉर्डर भी उससे अछूता नहीं है। बॉर्डर पर अब पहले के मुकाबले नजारा बदला बदला नजर आने लगा है। किसानों ने बदलते मौसम को देखते हुए पूरी तरह से टेंट लगा दिया है और रात्रि विश्राम के लिए कुछ अस्थायी जुगाड़ कर लिए हैं। इसके अलावा किसानों को खान पान तथा चाय के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए धरना स्थल के साथ ही दिन भर लंगर जैसा नजारा बना रहता है। सुनहरा बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के 21 दिन बीत चुके हैं। उसी दिन से हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ राजस्थान पुलिस के जवान अपनी अपनी सीमाओं में डटे रहे हैं। इसके अलावा CRPF के जवानों की तैनाती इस बॉर्डर पर की हुई है, ताकि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच न कर सकें। किसानों के तेवरों को देखते हुए अब सरकार के तेवर पिछले एक दो दिन से ढीले पड़े हैं। बातचीत का जो रास्ता किसान और सरकार के बीच में बंद हो गया था, उसमें भी खुलने के आसार जग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने केंद्रीय नेताओं के बजाय खुद बातचीत की बागडोर संभाल सकते हैं। अब आशंका यही जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मैदान में उतरने के बाद मसला जल्दी ही सुलझ सकता है। वैसे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद अपने तेवरों में कुछ ढिलाई के संकेत दिए हैं। वैसे एक बात तो साफ है कि किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के साथ साथ MSP पर लिखित आश्वासन चाहता है, उसके बाद यह मामला सुलझ सकता है। सुनहरा बॉर्डर की अगर बात करें तो अब तक कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना खुला समर्थन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को देने का धरना स्थल पर पहुंचकर ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उलेमा पूरे धरने की बागडोर अपने हाथों में संभाले हुए हैं। शुरू में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिस बॉर्डर के पड़ाव को हल्के में ले रहा था, अब वह भी उसे गंभीरता से लेने लगे हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा किसानों से जुड़ी ताज़ा खबरें। हमारे यहाँ सुनहरा जीरा बॉर्डर पर इस किसान आंदोलन को जो हजरत मौलाना अरशद साहब मील खेड़ला की सरपरस्ती में जारी है, 21वां दिन है, और जब तक ये काले कवानीन वापस नहीं ले लिए जाते, जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सिख भाइयों का 150-200 लोगों यहाँ जत्था हुआ यहाँ पहुँच रहा है, और हमारे युवा शक्ति मोर्चा के नौजवान भी आज इस धरने को समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो जब तक ये काले कानूनों की वापसी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं, और बल्कि काले कानूनों के साथ प्लस जब तक हमें MSP की गारंटी उसका कानून ना बने, जब तक हमारी घर वापसी। लोगों का हजूम आप देख ही रहे हो कि सैकड़ों की तादाद में बड़ा है। सिख समुदाय की आज तकरीबन बहुत अभी एक 10-15 मिनट में आने वाले हैं, और सब अपने अपने विचार भी रखेंगे। हमारा ये कहना है कि जब तक ये तीनों कानून काले वापस नहीं होंगे, जब तक ये धरना नहीं उठेगा, घर वापसी नहीं जाएंगे। अभी तो खाली तीन कानून नहीं रह गए, और भी बहुत रह गए हैं कि जितने शहीद हुए उनकी भी मांगे हमारी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो ये जितने भी केस लगे हुए हैं, जितने सब आदमी घर से चले गए हैं, उनका कौन जिम्मेवार, मोदी सरकार जिम्मेदार होगी, उनका भी उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। जितनी देर तक तीनों कानून वापस नहीं लेते, इनका हर्जाना नहीं भरते, उतनी देर तक हमारा कोई फैसला नहीं। हम बिल्कुल धरने पर